अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इशू किचन में आपका बहुत ही बेहतर वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, माशाल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कढ़ी की रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल बनाए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके, आप मुझे अपना बहुत सारा सपोर्ट दे सके, मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं कि कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, मैंने आधा किलो सबसे पहले दही ले लिया है, मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 6 हरी मिर्च, इसका हम मसाला पीसेंगे कढ़ी में डालने के लिए। यहाँ मैंने 1/3 कप बेसन लिया है जो कि हम अपने दही में ऐड करेंगे। और तड़के के लिए मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पर 4 गोल मिर्च ली है मैंने, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और ये थोड़ी सी हींग। और भजिए बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 कप बेसन, 2 कांदे, थोड़ा सा नमक, 1/4 टीस्पून हींग, चुटकी भर सोडा, थोड़ा सा हरा धनिया और 3 हरी मिर्च, इसके हम भजिए बनाएंगे। और चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम अपना मसाला पीसेंगे जो कि हमें कढ़ी के लिए लगने वाला है। तो कढ़ी के लिए मसाला पीसेंगे ये हरा धनिया, ये हम जार में ऐड कर रहे हैं, अदरक, लहसुन और ये हमारी हरी मिर्च। तो चलिए हम ये मसाला पीस लेते हैं और फिर हम अपनी कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने खूब अच्छा अपना मसाला एकदम बारीक सा पीस लिया है, इसको हम रखते हैं साइड पे। और अब हम लेते हैं अपना दही और दही में हम ये ऐड कर देंगे 1/3 कप बेसन। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस बेसन को अच्छे से दही में मिक्स कर देंगे, खूब अच्छा मिक्स करेंगे, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने खूब अच्छे से अपना बेसन दही में मिक्स कर दिया है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1 लीटर पानी लिया है, 1/2 लीटर पानी हम इसमें अभी ऐड कर देंगे और जो 1/2 लीटर बचेगा वो हम बाद में यूज करेंगे। खूब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने आधा पानी ऐड कर दिया, आधा पानी हमने बचा लिया, ये हम बाद में यूज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ी की तैयारी कर ली है, फटाफट से हम इसको गैस पे रखते हैं और पका लेते हैं। चलिए हम अपनी गैस ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गैस पे हम रख देते हैं कढ़ाई। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। मैं यहाँ पर 25 ग्राम ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम ऊपर से तड़का देंगे जब हम ऑयल यूज़ करेंगे, अभी ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी ये मेथी दाना। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मेथी हो चुकी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये मसाला जो कि हमने अभी पीसा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए फ्रेंड्स, इस मसाले में और हम कुछ थोड़े से मसाले ऐड करते हैं जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर और नमक, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जार में हमारा थोड़ा सा मसाला था तो उसमें पानी ले लिया था और ये पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इनको हम अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला खूब अच्छा भून चुका है, इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी कि हमारा मसाला खूब अच्छा भून चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर रेडी किया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए, मैंने इस मिक्सचर को मसाले में खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो हमने पानी बचाया था 1 लीटर में से, वो पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए हम ये पानी इसमें ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाह। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कढ़ी को खूब अच्छे से अपनी पकाते हैं। इसको हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे और इसको जब तक इसमें बॉईल नहीं आता हम कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो इसमें बेसन ऐड किया है तो उसमें लम्स ना पड़ जाए, इसलिए हमें इसको कंटिन्यू स्टर करते रहना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ जब से मैंने इसको चढ़ाया तब से, और अब देखिए इसमें बॉईल आ चुका है। तो अब हम एक काम करेंगे, अपनी गैस की फ्लेम लो करेंगे और इसको लो फ्लेम पर ही पकने देंगे धीमे धीमे, बीच बीच में हम चलाते जाएंगे बट इसको कम से कम हम 1.5 घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकाते रहेंगे ताकि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए और ये खूब अच्छी गाढ़ी गाढ़ी रेडी हो जाए हमारी कढ़ी। और जब तक हम इसको पकाएंगे हम अपनी भजियों की तैयारी करेंगे। तो चलिए, मैंने फ्लेम तो लो कर दी है, अब हम इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने भजी बनाने के लिए एक बोल ले लिया है, अब हम इसमें अपना ये कांदा कट करके ऐड कर देंगे। देखिए, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है काटना, बस इस तरह से 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया और इस तरह से हम इसको कट करके ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी प्याज कट कर ली है, अब हम इसमें बारीक बारीक अपनी हरी मिर्ची कट करके ऐड कर देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने प्याज में हरी मिर्च भी कट करके ऐड कर दी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बेसन, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, हींग और ये सोडा, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे खाने की जान हरा धनिया। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन को अपनी प्याज के साथ। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि प्याज का अपना जो खुद का पानी होता है, पहले तो हम इसको इसके साथ ही मिक्स कर देंगे और फिर बाद में हम पानी इसमें ऐड करेंगे। जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने बेसन में अच्छे से प्याज को मिला दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा ही थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे भजियों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे। और देखिए, जब तक हम मिक्सचर रेडी करते हैं हमारी कढ़ी यहाँ पक ही रही है जब तक। ये देखिए, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस भी हो चुकी है और हम इसको पकने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी को पकते हुए पौना घंटा कम्प्लीट हो गया है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसको गैस पर से उतारते हैं और अपनी भजिया फ्राई करते हैं, जो कि हमें इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने कढ़ी एक साइड पे रख दी है और दूसरी कढ़ाई रखेंगे गैस पे और इसमें ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम अपना तेल गर्म होने देते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें भजिया फ्राई करते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तब हम अपने भजिया फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने भजिए ऑयल में ऐड कर दिए। अब हम इसको एक साइड से अच्छे से पकने देंगे एटलीस्ट 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भजी को पकते हुए 2 मिनट कंप्लीट हो गए एक साइड से। तो चलिए अब हम इनको टर्न करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसी तरह से सेकेंड साइड से भी हम फ्राई कर लेंगे अपनी भजियों को। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भजियाँ माशाल्लाह खूब अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और चलिए इसी तरह से हम अपनी सारी भजी को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी भजी फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए इन भजियों को हम ऐड करेंगे अपनी कढ़ी में और फिर हम अपनी कढ़ी को तड़का देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी कढ़ी में ये भजी ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है हमारी कढ़ी। और चलिए अब हम अपनी कढ़ी को तड़का देते हैं। तो देखिए, तड़के के लिए मैंने गैस ऑन कर ली है, उस पर रख दिया है मैंने अपना पैन और इसमें मैंने ले लिया है 50 ग्राम ऑयल। अब हम तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ऐड करते हैं ये ज़ीरा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ये मिर्च, हींग और ये करी पत्ता। और चलिए अब हम अपनी कढ़ी को तड़का दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी कढ़ी। तो इसे आप भी जरूर बनाइए, ट्राई करिए, अपनी फैमिली में खिलाइए, मुझे प्यार प्यार कमेंट्स करिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।